साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चकव्यू में। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तापमान उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले, तो वहीं उनके भतीजे यानी कि अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय रथ पर निकल गए हैं। तो यूपी चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज से अपनी विजय यात्रा की शुरुआत कर दी। कानपुर से इसकी शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा यूपी के शहरी इलाकों के साथ साथ गांव में भी गई। विजय रथ यात्रा के पहले चरण में अखिलेश यादव कानपुर के साथ हमीरपुर तक लोगों का हालचाल लेने पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि भाजपा ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ सफाई होनी चाहिए थी, वहीं गंगा आज भी वैसी की वैसी है। कानपुर बड़ा शहर है, यहां कारोबार रोजगार है। कानपुर के लोगों ने अपनी बर्बादी देखी है। भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया, धोखाधड़ी की, रोजगार छीने हैं, महंगाई बढ़ाई है। तो अखिलेश यादव ने जहां कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। शिवपाल यादव ने वृंदावन के मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और फिर शंखनाद कर निकल पड़े परिवर्तन यात्रा पर। कितना परिवर्तन होगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कितना परिवर्तन प्रदेश में लेकर आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या चल रहा है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी ड्रामा राजनीति खूब चल रही है, दाव पेच खेले जा रहे हैं, चाहे वो रथ यात्रा हो, विजय यात्रा हो या फिर परिवर्तन यात्रा। इसके अलावा चाहे वो मौन व्रत हो या फिर भाईजान की एंट्री हो, ये सब फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कोई कहता है कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो कोई कहता है कि हम भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे, तो कोई कहता है कि प्रदेश सरकार में विकास नहीं हुआ, तो कोई कहता है कि प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है। तो अब देखना यह है कि 2022 के बाद क्या कुछ प्रदेश में बदलने वाला है। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई, बहुत सारे वादे दावे जनता से किए कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाएगा, भय मुक्त किया जाएगा। जो भय जनता के बीच अपराधियों ने कर रखा है, वो भय अब अपराधियों में होगा। जो अपराधी हैं उनकी जगह या तो जेल में होगी या प्रदेश के बाहर होगी। ये थे वादे दावे योगी सरकार के। रिपोर्ट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सियासी घमासान है, तो ऐसे में हर विधानसभा से रिपोर्ट कार्ड क्या है, इस पर भी नजर सभी की बनी हुई है। उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जनता ये भी जानना चाहती है। जो जनता लगातार ये कह रही थी कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ या इतना कुछ हुआ है, वो जनता आज हर किसी से सवाल जवाब कर रही है, और हम भी जनता के सवालों का जवाब मांगने के लिए आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, चर्चा है जनता के मुद्दे पर। जनता क्या चाहती है, जनता ने क्या सोचा है, जनता ने क्या कुछ देखा इन 4.5 सालों में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कितना विकास हुआ, अपराध कितना कम हुआ है, कितना बड़ा है, और क्या ये जो अभी हो रहा है चुनावी माहौल के दौरान कि तमाम पार्टियां अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रही हैं, इसका असर कितना दिखने वाला है उत्तर प्रदेश में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो परिवारवाद लगातार देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी चर्चा होगी। चाचा भतीजे क्या साथ आएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। क्या प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से सपा को इससे दिक्कत हो सकती है या बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी जो मुफ्त में बिजली और पानी सप्लाई करती है, कभी दिल्ली में, कभी उत्तराखंड में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी गुजरात में, उनका भी हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोचा है। प्रलोभन तो बहुत है, लेकिन प्रलोभन के झांसे में क्या जनता आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारे सवाल जनता के आए हैं, और जनता के सवाल तमाम पार्टियों को देने ही होंगे, इसके जवाब जरूरी है कि हम इस पर चर्चा करें।
क्योंकि बात जनता की है, बात है सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से ही जाता है। यानी कि आपने अगर उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत पास है, ऐसा माना जाता है। तमाम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं देश को, तो ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा भी पीछे नहीं है। हालांकि जमीनी स्तर पर बसपा दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्वीट लगातार बसपा की तरफ से देखे जाते हैं, यानी पूरा जो फोकस है वो सोशल मीडिया पर बसपा ने किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से हर मुद्दे पर आम जनता के बीच पार्टियां पहुंच सकती हैं? इसी पर आज सवाल भी लेंगे। कुछ ही देर में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस लगातार लखीमपुर में जो हिंसा हुई, जो घटना हुई, जो दुखद हादसा हुआ जिसमें किसानों की जान चली गई, कई बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई, एक पत्रकार की जान चली गई, उसको लेकर अभी भी राजनीति हो रही है। लगातार इस मुद्दे को और ज़्यादा बनाने की कोशिश हो रही है। कभी मौन व्रत रखा जा रहा है, तो कभी परिवार से मिलने की कोशिश हो रही है, तो कभी दिल्ली में एक पूरा डेलीगेशन जाने की बात हो रही है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं। देखिए, अगर अखिलेश यादव की हम बात करें तो ज़मीनी स्तर पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर अच्छी पकड़ समाजवादी पार्टी की है। लेकिन सवाल ये है कि 2017 में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जनता ने दरकिनार किया था, क्या उसके बाद कोई चमत्कार समाजवादी पार्टी का दिखाई दिया है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो प्रधानी की चुनाव हो, ऐसा नहीं होता हुआ नजर आया है। तो उम्मीद अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा है। अब उम्मीद उनकी पूरी होती है या नहीं, ये तो जनता ही जवाब देगी इसका। प्रसपा की बात की जाए तो शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बनाई, पार्टी का पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जनता के बीच वो क्या दूरियां खत्म कर पाए हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा सरकार की बात हो जाए, क्योंकि 4.5 साल से बीजेपी लगातार सत्ता में है, तो पूरा विपक्ष घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। शिवपाल यादव कह चुके हैं कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना है, भाजपा का सूपड़ा साफ करना है, भाजपा को हटाना है, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे, जवाब भी तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार धरातल पर उतरी हुई है, चाहे वो तमाम चर्चाएं हों, चाहे वो फील्ड पर जाना हो, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेना हो, हर पहलू पर हमारी नज़र बनी हुई है, क्योंकि सवाल जनता का है। जनता के मूड में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, जनता खुश है इन 4.5 सालों में, उन्होंने कितना विकास अपने क्षेत्रों में दिखा है, और तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई उनका कितना लाभ लोगों को मिला है, ये भी जानने की कोशिश होती है। क्योंकि घोषणा पत्रों में तो तमाम चीज़ें होती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, जनता के लिए ये दिया, तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन योजनाओं का लाभ जनता तक कितना पहुंचता है, ये भी हमें देखना होगा, ये भी जानने की कोशिश करनी होगी। तो सपा प्रमुख अखिलेश यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हैं, हकीकत में कुछ बदलने वाला नहीं है, बीजेपी का ये कहना है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जब परिवार ही एक नहीं है और इसी के अंदर विभाजन है, तो समाजवादी पार्टी के लोग विभाजन की रणनीति ही करेंगे और यही राजनीति वो करेंगे। उनका चाल चरित्र चेहरा तो परिवार से ही दिखता है। बेटे जान ने चाचा जान और अब्बा जान का क्या हश्र किया, वो आपके सामने है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिकुनिया में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से भी आपका परिचय करा देती हूं। अश्विनी शाही प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कपीश श्रीवास्तव सभा प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ वाले इंडिया में।
सबसे पहला सवाल कपीश जी से, सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं कि 400 से ज्यादा सीट आप जीतने जा रहे हैं, तो आज तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में। कपीश जी आवाज आ रही है मेरी? कपीश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, चलिए हम देखेंगे कोई शायद टेक्निकल इश्यू हो सकता है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने यात्रा की शुरुआत की और शुरुआत के पहले उन्होंने कहा कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। ऐसे में उनके चाचा भी दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि दोनों ही परिवार जो है अभी एक नहीं है, परिवार में मतभेद दिखाई देते हैं। जिस परिवार में मतभेद हैं तो फिर वो क्या राजनीति करेंगे और क्या आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रियंका गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए तिकुनिया में अरदास कार्यक्रम में शामिल हुई, वहां पर किसान परिवारों से मुलाकात की, जिन किसानों की जान चली गई थी इस पूरे हादसे में, इसकी अरदास कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू पहुंचे, वहीं अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं का आभार जताया लेकिन मंच पर नहीं आने दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो राजनीति बखूबी हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि 2022 में चुनाव है। इससे पहले भी तमाम हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन विपक्षी दल शायद अपने क्षेत्र में नहीं जाता है, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। बीजेपी कहती है कि लखीमपुर खीरी की बहुत चिंता है प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, लेकिन राजस्थान की घटनाओं पर वो चुप रहते हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था राजस्थान में, किसी दलित युवक की मॉब लिंचिंग की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ, इस पर फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में कुछ भी होता रहे, लोगों की जान जाती रहे, हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रहे, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी नहीं जाते हैं। तो ये सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है, कांग्रेस से कर रही है कि कांग्रेस इस पर जवाब दे कि अपने क्षेत्रों में वो क्यों नहीं जाती है। देखिए, आने वाले समय में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में कोई सांस भी ले तो भी सभी विपक्षी दल जो हैं पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है तो विपक्षी दल पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में कुछ होता है तो वहां का सुबगाहट भी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि ट्विटर पर भी ऐसा कोई ट्वीट हमें कांग्रेस की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है। इसका जवाब भी लगातार कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा विकास के मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, सबसे जो लाइमलाइट में रहा है वो किसानों का मुद्दा रहा है, और पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई दूसरे स्थान पर है, विकास तीसरे स्थान पर है, इसके अलावा आगे जो मुद्दे हैं वो तो फिर अनगिनत स्थानों पर है, लेकिन पहला प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों पर फोकस्ड है। एक बार फिर से आपका परिचय मैं करा देती हूँ अपने मेहमानों से। अश्विनी शाही प्रवक्ता है बीजेपी के, नुमान अहमद सिद्दीकी यूथ विंग है, प्रदेश उपाध्यक्ष है आपसे, वहीं कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं सपा से, और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। सबसे पहले कपीश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, 400 से ज्यादा सीटें आप जीतने जा रहे हैं, मन में बहुत लड्डू फूट रहे हैं। राजनीति सेवा के माध्यम के लिए करते हैं, उनके लिए सत्ता में कितनी जनता अगर अपनी सेवा का माध्यम बनाएगी तो समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 की तरह और उससे अब ज्यादा भी विकास कार्य करेगी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना के उत्तर प्रदेश को एक भारत नया आयाम खड़ा कर दिया है, वो आज भी है और आज ऐसा डेवलपमेंट आज भी हमारे
हमारे उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। इन्होंने का कोई विजन नहीं रहा, जो 4.5 साल में इन्होंने एक सपना देखा हो उत्तर प्रदेश के लिए, इसका शिलान्यास भी इन्होंने किया हो और उद्घाटन एक जो भारत के आयाम पर उत्तर प्रदेश बैठे हुए बता देंगे। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि जो 2017 में इन्होंने वादा किया कि भाई डबल इंजन की सरकार आएगी, प्राकृतिक विकास होगा, हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है, सरकार होगी तो करो करो किसका है, बहुत अच्छा काम करेंगे हम, राम राज्य की स्थापना, हां भाई हां भाई, राम राज्य की स्थापना हो सका, ऊपर से राम राज्य में तब्दील हो गया। आज किसान के ऊपर गाड़ी जो है वो चढ़ाई जा रही है हत्या करने की नियत से, और आज देखिए न्याय कैसे अन्याय की सीढ़ी चढ़ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन्होंने उकसाया 25 सितंबर को, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, उनको 120 बी के तहत जो है 302 का मुजरिम नहीं बनाया गया है। तो ये है भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना। तो तानाशाही सरकार चल रही है, गोरखपुर के अंदर नगर नारायण सिंह जो इनके थानाध्यक्ष थे जिन्होंने मनीष गुप्ता की हत्या की, आज भी फरार है। महोबा के अंदर SP जो घूस लेने के चक्कर में व्यापारी की हत्या कर दे, आज भी फरार है। तो लॉ एंड ऑर्डर इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। यात्रा की शुरुआत हुई है, अखिलेश यादव जी ने जो शुरुआत की है यात्रा की, कानपुर पर क्यों इतना फोकस किया गया, कानपुर से क्यों शुरुआत की गई, क्या कोई मकसद है या यूं ही? देखिए 2011 में भी हमारे समाजवादी रथ की जो स्टार्ट हुआ था वो कानपुर, अब इसमें कोई विशेष पहलू ना देखा जाए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है और कानपुर से ही हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है और हमें पूरा अख्तियार है कि हम अपनी चीजों को कहां से शुरू करें। तो हमने कानपुर से शुरू किया, लेकिन ये विजय रथ यात्रा जो है ये 75 जिले में कोई भी एक जिला ऐसा नहीं है जिससे टूटेगा, जिसके जिसके माध्यम से जनता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में जो संवाद होगा उसके अंदर इनकी पोल खोल का कार्यक्रम होगा, इनकी विनाश लीला का कार्यक्रम होगा और अपने विकास किए गए कार्यों का कार्यक्रम होगा, जिसकी टोपी ये अपने सर पहनना चाहिए। चलिए ठीक है, जनता को गुमराह ना कर सके इसके लिए ये रथ यात्रा चल रही है, और ये रथ यात्रा एक तरीके की परिवर्तन यात्रा है और जो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन हासिल करेगी। जो बड़े वाला देखिए परिवर्तन यात्रा तो शिवपाल यादव जी कर रहे हैं, क्या हो गया, वो भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, मतलब दूर रह के भी पास हैं, दूर हैं लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं। नहीं दूर कौन, कहाँ दूर है, दूर कहाँ है भाई, राजनीति में कोई दूर और पास नहीं होता है, नीतियां किसी को दूर ले जाती है, नीतियां किसी को पास लाती है, और सांप्रदायिक नीति से हर व्यक्ति तौबा करता है, ज्यादातर विपक्षी दल सांप्रदायिक दल को पसंद नहीं करता। मतलब सीधी कोशिश है बीजेपी को हराने की, तो बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ तो मिल ही रहा है। इसमें कहा दो रहा है, जिसने विप्लवकारी नीतियां खेली हो, जिसने विकास के कोई कार्य ना किए हो, कोविड काल के अंदर हिंदुओं की को शिकायतें ना प्राप्त हुई हो, उनको उनकी लाशों को बहा दिया गया हो पानी और कुत्ते नोच करके खाए हो, जहां लोग अनाज की लाइन में लगते थे, गैस की लाइन में लगते थे, ये तो वो सरकार निकली जिसने मुर्गों की लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये अद्वितीय चीजें हैं, इनको तमाम फटकारें जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी, कोविड काल के अंदर भी, कोविड काल के बाहर ठीक है, इस तरीके से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 2022 के बाद बहुत कुछ प्रदेश में अच्छा होने जा रहा है। अश्विनी शाही जी, बहुत देर से आप सुन रहे होंगे कपिल जी को, सबसे पहले ये बताइए कि आपने तो सीधे बोल दिया है कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव, क्या जीत का हक आपको ही है, काजोल जी आपको नहीं है? काजोल जी देखिए, हमारे कपीर भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, ये एक घंटा पूरा डिबेट बोल सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि हम लोगों को शुरू कहां से करना है, विजय यात्रा इन्होंने निकाली है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया एक विजय यात्रा के पहले, जहां भारतीय जनता पार्टी की कमियां हैं हम वहां उजागर करेंगे,
और दूसरी तरफ ये पहले बयान देते रहे, अभी कपीर भाई कह रहे हैं कि घोटालों की सरकार और इसकी सरकार, तो इनके अध्यक्ष को हमारी अच्छाई भी नजर आ रही है कि जहां कमियां हैं वहां उजागर करेंगे, और इनको सब कमी नजर आ रही है। ये द्वंद इन लोगों के बीच में चल रहा है। दूसरा, उन्होंने जो उद्घाटन और अभी शिलान्यास की बात हमारे कपीर भाई ने कही, तो मुझे याद है यमुना एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, उनका नाम था अखिलेश यादव। बनवाया किसने था? बसपा के सरकार में वो बना था। तो उस उद्घाटन के बाद उद्घाटन करने वाले पहले मुख्यमंत्री हुए जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तीसरी बात पर आइए, यमुना एक्सप्रेसवे हमारा है। अरे अरे भाई, तो उद्घाटन क्यों किया? उद्घाटन तो अब हमको थोड़ा सा जवाब दे लेने दीजिए, थोड़ा सा जवाब दे। अब दूसरा मैं कहता हूं कि जो अभी बुंदेलखंड की यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी लेके इनके निकल रहे हैं, उसी बुंदेलखंड में 2012-07 से लेकर, और मैं 17 की बात कर रहा हूं, तो लगभग 4000 किसानों ने आत्महत्या की। और वहां फरवरी और मार्च का महीना जो है काजोल जी, मौत का महीना माना जाता था, वहां पानी नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने हर घर नल से जल की योजना चलाई है। वहां पर दूसरी चीज मैं देना बताना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र में खेती की पानी की कमी थी, तो वो दलहन और तिलहन की हम लोगों ने उसको हब बनाने की बात की। हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकाला वहां से, और वहां पर हम रक्षा के आयुध निर्माण में वहां पर बुंदेलखंड को आगे ले आ रहे हैं। इन लोगों ने जहां भी ये गए हैं, तो एक कहावत एक फिल्मों में सुना जाता था डायलॉग कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर करेगी। तो सपा के हमारे सरकार में जो भी इन लोगों ने कुछ किया, तो देश हित में नहीं किया, जनता हित में नहीं किया। और भाषण हमारे कपीर भाई बहुत अच्छा देते हैं। चित्रकूट को हमने धार्मिक पर्यटन का हब बनाया, वहां पर 400 सीढ़ियां थी लक्ष्मण पीक पर जाने के लिए, हमने एक वहां पर रोपवे का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया भी, और उसका उद्घाटन भी करके लोकार्पण भी कर दिया प्रभु। तो देखिए, धार्मिक स्थल से चित्रकूट कितना, राजा रामचंद्र जी जो इधर थे, उसके बाद वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए थे नदी पार करने के बाद, हमने उनके मान को रखते हुए धार्मिक जो है पर्यटन का केंद्र बनाया चित्रकूट को। और कपीर भाई, वोट की राजनीति है, 22 में आपको भी लड़ना है। सर्वे दिखा रहा है कि आप 100 सीट से नीचे आ रहे हैं, और 400 सीट की बधाई काजोल जी दे रही है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। आप खुश हो जाइए। अश्विनी जी, आपने बहुत विकास किया। देखिए, दिखता है जनता के बीच जब हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, किया है, लेकिन एक तबका नाराज भी है। गोरखपुर में क्या किया है आपने? गोरखपुर में क्या हो रहा है? क्यों हत्याएं हो रही हैं? देखिए, गोरखपुर में जो हत्या हुई, उसमें पुलिस क्यों इतनी बर्बर हो गई है? सुधार तो वहां पर, देखिए वो दुखद थी काजोल जी, होना चाहिए। किसी भी हत्या, किसी भी अपराध को सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे कहीं भी हो, किसी तरह की हत्या हो, चाहे वो लखीमपुर में गाड़ी से कुचलने की घटना हो, या लाठियों से पीट कर आक्रांताओं द्वारा हमारे लोगों को मारा जाना हो। गोरखपुर में भी जो घटना हुई वो भी बर्बरती गलत थी, वो गलत थी, लेकिन गिरफ्तारी उसमें भी हुई, गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोग जल्दी से गिरफ्तार किए जाएंगे। मेरा एक प्रश्न जोड़ने, कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप गंभीर व्यक्ति, कपीश जी बोलिए। मैं एक जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोरखपुर में जो नवीन गुप्ता की हत्या हुई, जो रामगढ़ ताल के थाना अध्यक्ष के द्वारा, जीएम सिंह के द्वारा की गई, जिनको नगर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता था, और ये सिपाही से सीओ हुए थे, और इन्होंने एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा किए थे, आपकी सरकार आज इनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर पा रही? और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तक आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले आपके जो एसएसपी साहब थे और डीएम साहब थे, वो धमका रहे थे वादी को कि मत करो, उनके परिवार भी बसे हुए हैं,
और ये भी कह रहे थे कि कोर्ट में मुकदमा जाएगा, आपको वहां से लेके गोरखपुर देखना पड़ेगा, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जो न्याय का गला घोट रहे थे? और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूँ, FIR के अंदर तीन आदमी नामजद क्यों जब 6 लोग थे? क्या केवल पुलिस के अधिकारियों का और कर्मचारियों का नाम, सिपाही का नाम आपके पास नहीं था? और सबके पिता का नाम लामालूम क्यों है? क्या बिना किसी पिता के नाम रजिस्टर हुए कोई पुलिस की नौकरी पाता है? तो इतनी बड़ी गंभीर कमियां क्यों की है ये बताइए, और गोरखपुर के DM को और गोरखपुर के SSP को कब हटा रहे? ठीक है अश्विनी जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, कांग्रेस नेता है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस दशकों से जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, प्रियंका गांधी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, क्या इस बार नैया पार लगने वाली है? देखिए, परिवर्तन सत्ता का होना स्वाभाविक है और परिवर्तन इस बार कांग्रेस के रूप के अंदर यूपी के अंदर होने जा रहा है। अभी मेरे मित्र भाजपा के बोल रहे थे कि भी बहुत निंदनीय है ये अपराध होना, लेकिन जहां भाजपा है वहां निंदनीय तो है लेकिन अपराध होना स्वाभाविक है। अपराधवान नरसंहार का भी होगा, अपराधवान स्त्री का भी होगा, अपराधवान दूसरे भी होंगे, लेकिन कार्रवाई भी होगी, दिखाने के लिए होगी, पुलिस रिमांड ली जाएगी, खड़े करने के लिए दी जाएगी, 18 घंटे तक रिमांड ली जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम से कुछ नहीं होगा। मिनिस्टर का पुत्र लिप्त होगा कार्रवाई के अंदर, निंदनीय भी कहा जाएगा लेकिन इस्तीफा भी नहीं होगा, और कार्रवाई के अंदर 18 घंटे के अंदर चाय समोसा और टी पार्टी भी होगी। तो ये भाजपा का सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चली है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज जनता तैयार खड़ी है, और परिवर्तन के रूप के अंदर भूल जाइए कि आप भाजपा आने वाली है, भाजपा का दिन नहीं आएगा। कांग्रेस का एक नया विकल्प बन के आएगा, बहुत दुख है लखीमपुर खीरी का, बहुत दुख है आपको, गोरखपुर का बहुत दुख है, पूरे देश को है, पूरे प्रदेश की जनता को है। राजस्थान पर थोड़ा दुख जता लीजिए, थोड़ा सा ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया पर कुछ लिख दीजिए, एक आध पोस्ट तो हो जाए। इतनी मॉब लिंचिंग वहां पर होती है, इतनी बलात्कार की घटनाएं आती है, आप वहां तो चुप रह जाते हैं बिल्कुल। लखीमपुर का दुख नहीं है, दुख किसान का है, और वो किसान हिंदुस्तान का है, वो राजस्थान का भी है, महाराष्ट्र का भी, उत्तर प्रदेश का भी है। दुख महिला उत्पीड़न का है, वो महिला उत्पीड़न हिंदुस्तान की है, वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। ये वो सरकार है जो ये कह के चलती है कि महिला सुरक्षा देती है, लेकिन उन्हीं के रहते हुए महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। ये कह के चलती है कि किसानों की डबल इनकम करेगी, और उन्हीं के रहते हुए किसानों को सड़कों में 11 घंटे तक जवाब नहीं दे रहे। चंद्रमोहन जी, बच रहे हैं आप मेरे सवाल से, आप ये बताइए कि राजस्थान में मॉब लिंचिंग कांग्रेस का मुद्दा मॉब लिंचिंग, आप क्या सवाल करें, कुछ यार सवाल पूछे। राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले हनुमानगढ़ में मॉब लिंचिंग एक दलित युवक की हुई है, बकायदा साफ साफ वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, आप वहां क्यों नहीं गई परिवार से मिलने, सांत्वना देने? देखिए, वहां बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री ने एकदम एक्यूरेट एजेंसी करके कार्रवाई करी और गिरफ्तारी भी करी, वहां पर नौटंकी नहीं हुई, कार्रवाई की इमीडिएट एक्शन के साथ कार्रवाई हुई, और कार्रवाई होने का प्रमाण बहुत जल्दी सामने भी आया और बचा खुचा भी आएगा। वहां पर ऐसा नहीं है कि बिठा के 18 घंटे की SID की जांच, SID मंत्री के घर के बाहर नोटिस लगा देती है और मंत्री उसी SID का मजाक उड़ाता है। कांग्रेस की सरकार शासन और प्रशासन दोनों को संभाल के चलती है और जनता की बात सुन के और मान के चलती है, उसी का प्रमाण है कि आज जो सरकारें भाजपा के पास स्टेट की चली गई थी वो वापस कांग्रेस के रूप के अंदर निरंतर देश को मिल रही है, और आगे वाला जो रूप है वो आगे जो सेंटर नेतृत्व में वो बदलेगा और कंफर्म बदलेगा। चंद्रमोहन जी, जो किसानों की जान गई है बेहद दुखद है, इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी, लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई, राजस्थान में किसी किसान की मौत नहीं हुई? देखिए, किसान का मुद्दा हिंदुस्तान का मुद्दा है, अगर बाप बनाने के लिए राहुल गांधी राजस्थान हिंदुस्तान में नहीं आए आप, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरे को दो सेकंड दीजिए। ठीक है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने अगर दबाव बना के, नीति बनाकर और इस चीज का प्रमाण दिया, तो यही कारण है कि आज जो एक कार्रवाई हुई जिसके अंदर गिरफ्तारी हुई, अदरवाइज ये सरकार गुंगी और बहरी, आंखों पर पट्टी बांधकर ना कार्रवाई करती और बिल्कुल उस कार्रवाई को खत्म कर देती। आज क्या मांग है? आज मांग है कि मंत्री को इस्तीफा दिया जाए, जब एक मंत्री का पुत्र इतने बड़े हत्याकांड में लिप्त है और मंत्री के रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ऐसा प्रमाणित आप मुझे किसी कांग्रेस शासित राज्य में दिखा दीजिए,
ये जो अगर राहुल गांधी जी आज सड़कों पर उतरे हैं, प्रियंका गांधी जी सड़कों पर उतरी हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की आवाज के लिए उतरी हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं उतरी हैं। ये मुद्दा सबका है और सबकी आवाज के लिए उठा है। क्यों नहीं भाजपा इस मुद्दे को उठाती? भाजपा ये बात विपक्ष की तरह उठाती तो है, लेकिन उसको सामने रखकर क्यों नहीं आती? अगर उनकी चादर में कोई दाग नहीं है तो इसी बात को वो उठाएं, लेकिन वो नहीं उठाएंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार की सीमा पार कर रखी है। चंद्रमोहन साहब, उत्तर प्रदेश में दशकों से कांग्रेस नहीं आई है। आप ही कहते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं, हम लगातार जनता की आवाज बनते हैं, किसानों के लिए हम आवाज उठाते हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जनता आपको नकार रही है हर विधानसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश में क्या वजह है, क्यों आपको विकल्प के तौर पर नहीं चुन रही है? मैं देता हूँ, लोकतंत्र के अंदर सरकारों का चुनना और जनता जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर किसी मुद्दे के ऊपर जनता की बात हमारे से सहमत नहीं हो रही है, सरकार नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे नेता या हमारे बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश से साथ छोड़ा है। हम उत्तर प्रदेश के जनजीवन और उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ खड़े हुए हैं और बिल्कुल उस लेवल पे कार्य भी कर रहे हैं। ये अगर हम जन से की सत्ता एक पार्टी के लिए होना, उसके बड़े नेता और कार्यकर्ता अपने उस सूबे का हर समस्याओं को ओज आवाज के अंदर उठाना, ये कांग्रेस के बड़े। ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज बहुत ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अश्विनी जी, आप अपनी बातों का जवाब दें। सबसे पहले कपीश जी का जवाब दीजिए, बहुत देर पहले उन्होंने आपसे सवाल किए थे। दूसरा ये कि कांग्रेस लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ तानाशाही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं कपीश जी का जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के विषय में इन्होंने हमसे सवाल पूछा। मैंने पहले भी कहा वो घटना गलत थी। हत्या कहीं भी हो, कोई पुलिस करे, कोई आम आदमी करे, अपराधी करे, वो निंदनीय है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दरोगा को तुरंत जो है गिरफ्तार, ठीक है 2-4-10 दिन लग जाते हैं खोजने में, गिरफ्तार किया गया। 1,00,000 के इनामी से गिरफ्तार किया गया, बाकी जो बची हुई गिरफ्तारियां थी जल्दी हो जाएंगी। सरकार कहीं किसी को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं अभी कह रहा हूं, अराजकता की बात भी कहा अभी हमारे कपीश भाई ने कि अब किसानों के साथ है, अराजकता भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। जिस दिन लखीमपुर किए जा रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस दिन उन लोगों ने अराजकता की पराकाष्ठा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके एसएचओ की गाड़ी में बैठते हैं और उसी गाड़ी के बोनट के आगे एक दरोगा को इनके कार्यकर्ता मारते हैं और वर्दी फाड़ देते हैं। उसके बाद एक इनके कार्यालय के ठीक सामने पुलिस की जीप खड़ी होती है, उस जीप को फूंक देते हैं। ये कौन सा आंदोलन है, ये कौन सी जो है सभ्य नीति है? दूसरी चीज इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक 2013 की घटना शामली मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी को कहना पड़ा था कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं एक हफ्ते के अंदर जो है कानून व्यवस्था ठीक कर देता, और दूसरे दिन मुख्यमंत्री न रहते हुए अखिलेश जी को किनारे करके अधिकारियों की बैठक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लेना पड़ा। इनको ये वो दिन भी याद होगा। तो ये नैतिकता का पाठ समाजवादी पार्टी ना पढ़ाए। और अब कांग्रेस के बारे में मैं 2-4 रोचक तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं। अभी इन्होंने बहुत बात की हनुमानगढ़ पर, इन्होंने बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो है पालघर पर बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। अभी देखिए लखीमपुर खीरी के वजह से जो है महावसूली अगाड़ी ने वहां पर बंद किया था, और जब मीडिया ने पूछा कि आप लोगों ने क्यों बंद किया है, क्या है, तो कोई बता नहीं पाया उसमें से आधे कि हम क्यों यहां पर बंद में इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद जबरदस्ती बसों को तोड़ना, मारा जाना, किस तरीके से वहां हुआ, उसी सरकारों की मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। जो लोग 50,00,000 रुपए आकर दे गए हैं लखीमपुर में, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन इस 4 सालों में छत्तीसगढ़ और पंजाब में लगभग 2,000 किसानों ने आत्महत्या की। उन किसानों को 4 आना अगर इनकी सरकार ने दिया हो तो ये बताएं, और यहां आकर 50,00,000 बांट रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई सीमा पर लड़ता हुआ जवान शहीद होता है तो पंजाब और छत्तीसगढ़ में 20,00,000 रुपए देने की परंपरा है, और आज जब यहां पर वोट का राजनीति करना है तो 50,00,000 रुपए दिया जाता है। इसका मतलब इनके सामने जो जिहादी लोग मारे जाते हैं किसान के रूप में, वो लोग
50 लाख के आकांक्षी है और जो हमारा सैनिक जो शहीद होता है सीमा पर वो 20 लाख रुपए का आकांक्षी है। ये है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। अश्विनी जी, लखीमपुर में जो मौतें हुई हैं किसानों की, आप उनको जिहादी बोल रहे हैं? मुझे जरा काउंटर इस तरीके से मारा गया आपने देखा नहीं काजोल जी? वीडियो तो बहुत सारे आए, तो उनको इन लोगों ने क्या माना है? लाठियों से पीट कर मारा आतंकी है वो, जिन लोगों ने मारा है वो आतंकी है, लाठियों से पीट कर मारा है। आप ये बताइए कि क्या मांग नहीं हो रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? मीडिया अब इधर 2-4 दिनों से करने लगा है, विरोधी दल के लोग अभी भी नहीं कर रहे काजोल जी, अभी भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया के पास जो बयान आए हैं वो विरोधी मीडिया सिर्फ आए हैं। मीडिया सिर्फ ये कह रही है काजोल जी, एक लाइन में मैं खत्म कर दूंगा, मीडिया के दबाव चाहे जैसे भी है, विरोधी दल के लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए, उनके लड़के की गिरफ्तारी की मांग थी, यही दो चीज थी, तीसरी किसी की नहीं थी कि लाठियों से जिन बेटों को मारा गया वो भी किसान के बेटे थे, वो भी किसी माँ के लाल थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने आवाज नहीं उठाई कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे बयान आए हैं जो विपक्षी दलों ने कहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि विपक्षी दल बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, 2022 में चुनाव है, राजनीति हर कोई चमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कपीर जी बैठे हुए बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सपा ऐसा नहीं कर रही? सपा भी तो यही कर रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे तो भूल गए कपीर जी। काजोल जी, बहुत अच्छी बात की आपने मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाई। आपको याद होना चाहिए कि अभी 2 साल ही हुआ था, तब तक ये दंगे भड़के थे, भारतीय जनता पार्टी ने ये दंगा भड़काया था और उसमें FIR हमने बाद में दंगे कहीं भी भड़के, भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़काती है। अरे भाई सुन तो ले, साबित कर दे रहा हूँ ना कि कैसे भड़काए। हमने तो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं अंकित की तुरंत, हमने क्या किया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बना दी कि वो जांच करे और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे FIR दर्ज होगी, ठीक है। तो जब उन्हें एक जांच की रिपोर्ट आई, उसमें संगीत सोम जो इनके विधायक हैं वो उसके मुख्य अभियुक्त थे, एक कुलदीप जी थे वो मुख्य अभियुक्त थे, एक कोई और, वे तीनों भाजपा के, और ये समाजवादी पार्टी का न्यायिक आयोग नहीं था। तो मैं तो बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ कि अदालत ने उनके साथ क्या किया, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अदालत ने आज भी कसूर ही मानती है, आपकी सरकार उन पर से केस उठाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार को अगर डर है तो क्यों उठा रही है? ट्रायल कराइए ना, डेली पे डेली लगवाइए, स्प्राइट ट्रायल कराइए, क्यों नहीं कराने के लिए? निर्दोष जाट लोगों पर मुकदमे आपकी सरकार ने दर्ज कराए थे, 60 लोगों की हत्या की है आपने, 60 लोगों की, निर्दोष जाट युवकों पर वहां पर आपके लोगों ने मुकदमा कराया था, उन निर्दोषों का मुकदमा सरकार वापस कर रही है। आपने 3000 लोगों की हत्या कराई थी, 3000 लोग की हत्या गोधरा के अंदर रक्त पीने वाली भारतीय जनता चूर्क में नेताजी ने किस तरीके से गोलियां चलवाकर मजदूरों को मरवाया था, किस तरीके से कपीर जी चूर्क में डाला चूर्क यही सोनभद्र में किस तरीके से गोली चलवाकर मरवाया था माननीय नेताजी ने, आप बताइए, याद करिए चूर्क में और कारकुनों पर गोली नेताजी ने चलवाया था भाई, किस तरीके से चलवाया आपको देखना पड़ेगा, उसको भी याद करिए। निहत्थे मजदूरों को डाला फैक्ट्री बेचने पर जब गोलियां चलवाया था, कैसे आप नेताजी से पूछिए किस तरीके से गोली चलवाई गई मुख्यमंत्री रहते हुए, डाला में निर्दोष मजदूरों की हत्या हुई थी, एक बच्चा भी मरा था उसमें। जब ये जिन इलाकों में चुनाव हारे, सुन लीजिए, काजोल जी सुन लीजिए, तो विधायकों ने कहा, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीर जी ठीक है, दंगा नहीं हुआ, ठीक है कपीर जी, ठीक है चंद्रमोहन जी बोलिए। ये दंगेबाज देखिए काजोल जी, आज सत्ता काम नहीं करते, काजोल जी आज सत्ता किन लोगों के हाथ में है? सत्ता उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने 2014 और उसके बाद यूपी की सत्ता ये कह के जनता से हासिल करी कि हम एक सुशासन और एक बढ़िया सरकार के नेतृत्व देंगे। लेकिन विडंबना देखिए अभी अश्विनी जी, जब अपनी गृहबान के ऊपर धब्बे लगे तो उनके दूसरों को धब्बे याद आने आ रहे हैं। अरे आपने तो सत्ता के अंदर एक योगी मुख्यमंत्री दिया है, आपने वो मुख्यमंत्री दिया है जो भगवा डाल के देश को आत्मज्ञान देना चाहता है, उत्तर प्रदेश को आत्मज्ञान देना चाहता है। तो उसके रहते हुए अगर नारी सुरक्षा नहीं है, सेंगर जैसे एमएलए के
पर केस चलता है और वो केस चलने के बाद उसके गवाह मरवा दिए जाते हैं। सुबोध कांत सहाय की हत्या होती है और उसके जो हत्या करने वालों को सम्मानित कर दिया जाता है, तो इससे बड़ी क्या कमी होगी एक यूपी के सूबे की सरकार की? और आप दुआइयां दूसरी सरकारों को देते हैं। देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार को जिस लिए चुना था वो प्रमाणित आज आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके रहते हुए ना शासन है, ना सुशासन है और ना गुड गवर्नर्स है। अगर ये सब ना होता तो गंगा के अंदर तैरती लाशें ना होती, उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी ना होती, बुनकर व्यापारी परेशानों के सड़कों पर ना होता। 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खुशहाल था, 14 बार की बात के बाद नौकरी थी, बेहतर शिक्षा व्यवस्था थी, सड़कें दुरुस्त थी, बिजली 24 घंटे आती थी। 2017 से पहले सब ठीक था, लेकिन 2017 के बाद सब खराब है। चंद्रमोहन जी, कुछ कुछ देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल ठीक है कि कमियां रहती है सरकार कोई भी हो, लेकिन जो कमियां थी वो पुरानी सरकार कभी उस बात को काटती नहीं थी और ना ही विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता था। ये भी विपक्ष के अंदर रहे हैं और ये तो ऐसे विपक्ष के मारते रहे हैं जो शो टाइम हिंदुस्तान को बंद करवा के भारत बंद पार्टी चलाया करते थे। तो लेकिन आज की कमियों को इनके पुराने नेता भी मानते हैं, लेकिन आज की पार्टी भाजपा पार्टी नहीं है ये। हम दो हमारे दो युग पार्टी हो गई है। 70 साल में जो रायता फैलाया है, मैं ये बीजेपी की भाषा बोल रही हूँ, जो यहाँ पर रायता फैलाया है वो तो समेटने में टाइम लगेगा ना, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए, अगर रायता फैलाया होता तो आज 70 साल की बनी हुई कंपनीज और इमारतों को ये सरकार बेच ना पाती, जिसके लिए करोड़ों की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और हम दो हमारे को दिया जा रहा है। क्या 70 साल में कभी और जवान शहीद होते लेकिन हम शहादत का बदला नहीं लेते? जवान शहीद होते हम शहादत का बदला नहीं लेते? शहादत का खून तो कांग्रेस के अंदर है, इसीलिए शहादत के खून पे ही हमने राजनीति नहीं करी, हमने देश को बनाने की कोशिश करी है। और ये वो लोग हैं जो खून के ऊपर राजनीति करते हैं और राजनीति करके राजनीति को मजहब के साथ जोड़ते हैं। दुश्मन देश हमारे ऊपर, दुश्मन देश हमारे देश पर, हमारे जवानों पर अटैक करने की कोशिश करता है। हम संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना दें। अश्विनी शाही, 56 इंच की सरकार होने के बाद भी अगर चाइना इस तरह की बात करता और जवाब नहीं दे पाते तो इनको जवाब देना चाहिए। क्यों आज चाइना इतना अंदर घुसता जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन भाई, हम लोगों ने डिबेट फिर उत्तर प्रदेश में दूसरे टॉपिक पर जा रही है। नहीं, मैं एकदम जवाब दे रहा हूँ तुरंत। आज के दिन में भारत सामरिक रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से मजबूत हुआ है, एक मजबूत सशक्त हाथों में देश है। हमने पाकिस्तान जैसे दुश्मन के घर में घुसकर मारा है, हमारे सैनिकों ने वहां अदम्य साहस का परिचय दिया और चाइना के घर में घुसकर मारने की ताकत भी हम रखते हैं। आज जो है 45 लोगों को हमने मारा कि नहीं मारा, सैनिक हमारे सैनिकों ने मारा, हमारे सैनिकों ने मारा 45 लोगों को, हमने घर में घुस के मारा। ठीक है, कपिल जी बोलिए, कपिल जी बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हम अपने शाही जी से उम्मीद करते हैं कि वो कहते जाएंगे हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। डीआरडीओ आपने बनाया, इसरो आपने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपने बनाया, देश के आयुध कारखाने आपने बनाए, परमाणु परियोजना आपने लगाई, नहीं लगा, क्या ठोकते हैं पीठ? बताइए, मंगल पे आपने भेजा, पीता काटा, तो हाइड्रोजन बम की सीरीज आपने फोड़ी, आपने बनाई थी। तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया है, काजोल जी एक मैं अटल जी के शब्द को लेना चाहता हूँ। अटल जी ने कहा था, जो आपके आदर थे हमारे भी आदर, क्योंकि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको सभी प्रणाम करते थे। उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के पुरुषार्थ को खोल के पिया नहीं जा सकता है और आप पीते हो, शर्म आनी चाहिए। जब पाकिस्तान 56 साल तक जो पार्टी सत्ता में रही, आप ही को जवाब देना है। अच्छा अच्छा, ठीक, मैं आप ही को जवाब देना। जब पाकिस्तान को के दो टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान को 3 युद्धों में बुरी तरीके से रौंद दिया गया, और आपने चीन के अंदर भी देखा कि जिस तरीके से हमारी सेना लड़ी और हमने जो है उनको रोकने का भी काम किया, और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई?
मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक डिफेंस स्टडी का भी छात्र रहा हूं और मैंने सारे युद्ध पढ़े। जिस कम सामान पे हम लोगों ने लड़ा वो अद्वितीय था, मनोबल में हमारी सेना विश्व में नंबर वन है। लेकिन आज भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भारत में धनुष जैसे प्रक्षेपास्त्र बन रहे हैं। आप मुझे बताइए, बोफोर्स तो फेल है, इसके आगे धनुष के आगे उसका अपग्रेड है, ये राजेंद्र रगार विश्व में विश्व स्तरीय है, किसने दिया है? तो इसलिए कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों को भूल के कीजिए मत। और आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसका कि इतना नुमाइश किया, इससे कई पहले स्ट्राइक हो चुके हैं लेकिन ये लाए नहीं जाते क्योंकि ये लाना भी नहीं चाहिए, ये सिक्योरिटी का मामला है। तो हर बात पे माँ भारती के अच्छा, अब मैं जवाब दे लूं, मैं जवाब दे लूं, मैं जवाब दे लूं, कपिल भाई मैं जवाब दे देता हूँ। पुलवामा अटैक में अब तक चार्जशीट क्यों नहीं? अरे पुलवामा, हम जवाब दे रहे हैं भाई। अरे भाई अब जवाब तो ले लीजिए, प्रभु जवाब ले लीजिए, कपिल जी जवाब ले लीजिए। सिर्फ चंद्रमोहन जी के लिए जवाब था, चर्चा यूपी पर ही है। आपने सब स्टेशन सब रोड क्यों खोल के रखे थे ये बताइए। अरे भाई जवाब तो ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए इस देश में जो है पूर्ववर्ती सरकारों ने अच्छे काम किए, मैं मानता हूं, और आपने जो गिनाए हैं उनके लिए साधुवाद देता हूं। 56 सालों तक उन्होंने देश में राज किया है तो उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो कैनवस के जूते पहना कर जो 61 में 62 में ना कराए होते। दूसरी बात मैं आता हूं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम लोगों ने पूरे विश्व के की दुश्मनी लेकर परमाणु परीक्षण किया। आज आपको याद होगा काबा वैली किसने दे दिया, आज चाइना वहां बैठा है। कोको द्वीप किसने दिया, आज वहां चाइना बैठा है। अक्साई चीन किसने दिया, आज वहां बैठा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अश्विनी जी। और आने वाले देखिए, आने वाला दिन याद रखिएगा कि हमने इस देश को बुलेट ट्रेन भी दिया, हमने जो है इस देश में बहुत ऐसी चीजें की। अभी केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, परियोजना लेकर आ रही है, कौन कौन से उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास लोकार्पण तो सब दिख रहे हैं। देखिए इस पर तो चर्चा हम कर रहे हैं। अरे अभी देखते रहिए, ऐसे हल्ला करने से काम नहीं चलता। अश्विनी जी सुनिए मेरी बात, आज एक वीडियो आया है, वो वायरल हुआ है, वीडियो आया है उत्तर प्रदेश के औरैया से। छोटा सा मासूम बच्चा होगा 7 या 8 साल का, स्कूल के अंदर झाड़ू लगा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर आप बात करते हैं, बहुत दावे होते हैं आपके, और पहली बार नहीं आया है, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया है, 2020 में भी, और अब 21 में भी। जी काजोल जी बताइए ऐसा क्यों हुआ? मैं जवाब दे देता हूं। मैं देखिए ऐसा, ये आज मोबाइल और उसका जमाना है, और मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के ही प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, जो हम लोग घर से एक टाट और बोरा लेकर जाते थे। कपिल भाई भी हो सकता है गए हो, अगर नहीं तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होंगे तो हम नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी जाकर वहां पर मास्टर साहब कहते थे झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते थे। लेकिन अप्रैल हम लोग 6 में बोलना शुरू किए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये झाड़ू लगाने का और उसका जो है बहुत उस पर नहीं लिया जाना चाहिए इसको मुद्दा, क्योंकि हमने खुद किया है, ईंट ढोई है हम लोगों ने स्कूलों में, ठीक है, पानी छिड़क के झाड़ू लगाया है, टाट बिछाया है। ये चंद्रमोहन भाई कह दे चाहे कपीर भाई कह दे हमने नहीं किया है। तो आज का जमाना थोड़ा एडवांस हो गया है, उसको देखने में लगता है कि शर्म आ रही है। आज प्रियंका जी तो जहां जा रहे वही झाड़ू लगा रही है, वो झाड़ू लगा के थोड़ी बैठ निकली थी, वो तो बेहतर करने की बात करते हैं, आधुनिक स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो बच्चा भी विरोध जता रहा है झाड़ू लगाकर? आप जो प्रियंका गांधी से उसे पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी झाड़ू लगा रही थी, प्रियंका गांधी का इसलिए मैंने कहा कि वो तो 3 दिन प्रधानमंत्री के परिवार से पाती हैं। वो मासूम भी विरोध कर रहे हैं, झाड़ू ही लगाना शुरू कर दे रही है।
अरे उस अध्यापक ने कहा होगा, हाँ अगर आज के परिदृश्य में वो अपराध है तो अगर आपने संज्ञान में दिया है तो वहाँ पर प्रशासन काम करेगा, वहाँ के अध्यापकों को दंडित करने का भी काम किया जाएगा। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, उस समय से अपने दफ्तरों में जाएगा। अध्यापक वहां पहुंचते नहीं है, आसपास के लोगों से पता किया तो कहते हैं कभी एक घंटा लेट, कभी दो घंटा लेट। तो क्या आप संज्ञान लेंगे? जरूर लेंगे और लिया भी गया है। आज एक एक करके पूरे प्रदेश में फोन करके आवश्यक जांच हुई है और अधिकारियों को हटाया भी गया है वहां से। आपके तो फोन किया गया 10 से 12, अगर वो कुर्सी पर नहीं मिला तो हटाया गया है उसको। यहाँ पर हम लोगों ने नमूना पेश किया है, फोन नहीं उठाते ये हमने। अरे सुनिए, हमने नहीं उठाया, उनको हटाया गया है। और स्कूलों में जो अध्यापक जो है, जो अध्यापक वहाँ पढ़ाते हैं वो मोबाइल से अपनी फोटो खींच के भेजते हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है, जो रिपोर्ट नहीं करता है उसको वहाँ से जो है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये हमने ही लागू किया है, ये पहले नहीं था। पूरे 5 साल का मीठा लड्डू आप नहीं खा सकते, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जनता को नहीं पसंद आ रहा है। लड्डू तो खा सकते हैं ना, लड्डू हमेशा मीठा ही होता है। काजू नहीं खा सकते, पूरा मीठा नहीं खा सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, लड्डू तो खा सकते हैं, लड्डू तो मीठा ही होता है, थोड़ा तो कड़वा लगेगा जरूर। हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ 24 करोड़ की हमारा परिवार है, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते ना। उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? एकदम उसके राह पर अग्रसर है। इन लोगों ने जिस गड्ढे में डाल दिया था उसको निकालने के बाद, अरे देखिए पहले यहाँ कट्टा बनता था, अब हम लोग मिठाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत फर्क है, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ चलने को अग्रसर है माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। हाँ, फिर से गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। एक बार फिर से, क्योंकि सड़कें तो फिर खराब हो गई, फिर से गड्ढा मुक्त हो गई। देखिए काजोल जी, आपने 3 दिन पहले एक भाषण सुना होगा माननीय गडकरी जी का, उन्होंने एक कॉन्क्लेव में कहा था कि हम जो है सड़कों को कंक्रीट से बनाएंगे। उन्होंने बहुत समय की कमी है, बहुत जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, उन्होंने कहा था कि हम सड़कों को कंक्रीट से बनाएंगे क्योंकि बरसात में हमेशा तारकोल की सड़कें गिर जाती है। अब उन्होंने फिर कहा है कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि तारकोल में हम सीमेंट डालकर उसको बनाएंगे तो सड़कें टूटेंगी नहीं। तो बरसात अब खत्म हुई है, 15 सितंबर जो है बरसात का दिन होता है, उसके बाद सड़कें फिर बनेंगी। अश्विनी जी, अगली बरसात में फिर इन सड़कों पर बात करेंगे, अगर आप सत्ता में आए तो उम्मीद है कि आपसे मैं इस पर जरूर बात करूंगी कि सड़कें क्या दुरुस्त है, क्या क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। छोटा सा कमेंट कपीश जी, आपसे बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जो 6 महीने में योगी सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, आज समूचा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त है। गोरखपुर के उन 30 मोहल्लों को मैं जानता हूं जिनमें पानी नहीं लगते थे, आज वाटर क्लॉगिंग लॉगिंग किस कदर है कि वहां पे बच्चे उस तरफ से स्कूल नहीं जा पाते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ऐसे एक दो मोहल्ले नहीं, ऐसे 30 मोहल्ले हैं जहां पहले पानी नहीं लगता था और इनके गलत डीपीआर की वजह से बना है। आज फिर रोड तोड़ी जा रही है, नालियां तोड़ी जा रही हैं, उनको गहरा और चौड़ा किया जा रहा है और उसमें जनता का पैसे को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। कपीश जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं और औरैया, सब कुछ ठीक है यहाँ पर सपा के लिए? पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए एक जैसा है और सब कुछ ठीक है। कपीश जी, ठीक है, आखिरी सवाल बस चंद्रमोहन जी का, आखिरी कमेंट आपका चंद्रमोहन जी। काजू जी देखिए, चाल चरित्र और कथनी का मेरे अश्विनी जी ने भी बातों में जवाब दिया। आपने जो प्रश्न करा था उस विद्यार्थी का, तो उन्होंने क्या बोला अपने आप को, कहा कि मैं तख्ती लेके जाता था, शायद इस पैनल में बैठे हम 3 भी लेके जाते थे, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए तख्ती याद आ गई। लेकिन 70 साल की विरासत में जो हिंदुस्तान कांग्रेस को मिला था, जो आपको बना के दिया था, उसको जो आपने आज देख दिया, उसकी बात आपके पास करने को नहीं है। यूपी के अंदर जो डेवलपमेंट आपको करने को मिली थी उसका आपके पास जवाब नहीं है, उसकी तख्ती का लिखत आपने आज तक नहीं लिख के दिया, वो आपसे मांगा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए।
ठीक है आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फिजा बहुत जोरों से चल रही है, तमाम रैलियां, तमाम परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं, हर कोई चाहता है कि सत्ता का स्वाद जल्द ही चख ले, लेकिन जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।